देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हुए सीधा सरफेस सेंसर के पॉइंट पे पहुँचते, जो जेई और किसी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखें कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री लेयर ऑफ द लिक्विड। फ्री लेयर कहने का मतलब सीधा यहाँ पे हो गया कि अगर मैं किसी कंटेनर की बात करूँ, सपोज़ ये कंटेनर है आपके पास, ठीक है, और इसमें हमने कोई लिक्विड रख दिया हुआ है, ठीक है, ये है ना, तो जो फ्री लेयर है वो ये वाला है, जो लिक्विड का फ्री लेयर होगा वो यहाँ से आएगा। ठीक है, कि अगर हम लोग यहाँ से देखें कि अगर ये लिक्विड है, ठीक है, तो फ्री लेयर कौन सा हो गया, दिस वन, ये लिख सकते। तो इसकी प्रॉपर्टी है ना, इसके बहुत ज़्यादा रीज़न पे ना जाते हुए हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं, जो जेई और किसी अलग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री लेयर ऑफ द लिक्विड। इसको विजुलाइज करने के लिए बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि जो फ्री लेयर ये वाला हो गया, बाकी सभी कॉन्टैक्ट में, मतलब जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट जिसका एयर है ना, तो ये क्या हो गया, फ्री लेयर हो गया। तो सरफेस टेंशन बिहेव कैसे करता है, सरफेस टेंशन की वजह से फ्री लेयर कैसा रिएक्ट करता है, कैसा बिहेव करता है, ये समझना ज़रूरी है, तब सारी चीज़ें हम लोग समझ पाएंगे, है ना। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्यों लिख देते हो, तो कहीं पे एनर्जी क्यों लिख देते हो, तो एक्सेस प्रेशर क्या होता है, फिर कैपिलरी एक्शन क्या होता है, हर एक चीज़ समझ पाएंगे हम लोग, है ना। तो बहुत सिंपल चीज़ है, इसको समझने की अगर ज़रूरत है, आप एक ऐसा समझ लो कि आपके पास एक रबर शीट है, ठीक है, इस तरह से, दिस अ रबर शीट, और ये स्ट्रेच्ड है, ठीक है, ये कम्प्लीटली स्ट्रेच्ड है, ठीक है ना, दिस इज़ अ रबर शीट विच इज़ स्ट्रेच्ड, ठीक है। तो ये देखो, अगर इसको हमने लिख दिया, इट इज़ अ रबर शीट, ठीक है, दिस इज़ द रबर शीट विच इज़ स्ट्रेच्ड, ठीक है। अब इसको आप विजुलाइज करो, है ना, आप अपने हिसाब से सोचो कि अगर आपके हाथ पे दे दिया जाए, है ना, आपने इसको हर एक तरफ से इसको स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है ना, तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, किसी भी एंड पे अगर इसको लूज़ करोगे वो उस तरफ से एरिया कम करने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इसमें एक लाइन मार्क कर लिया हमने, सपोज़ यहाँ पे एक लाइन मार्क कर दिया, ठीक है, अब इसमें दो डिफरेंट एंड्स दिखेंगे। अगर ये लाइन हमने मार्क किया, तो एक ये लाइन के एक इस तरफ का पार्ट है ना, जो यहाँ से देखें तो लेफ्ट साइड में, और एक इस तरफ हो गया जो राइट हैंड साइड पे है, तो इसको बी लिख दिया हमने, बी साइड, और इसको लिख दिया हमने साइड ए, देखना। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो साइड ए को बी अपनी तरफ खींच रहा होगा, ऐसा साइड ए को बी अपनी तरफ खींचता हुआ दिखेगा ऐसा, ठीक है, क्योंकि जैसे लूज करते हैं ये कम होना शुरू होता है, ये इधर भागना शुरू होता है और ये इधर भागना शुरू होता है। अब ध्यान रखिएगा, इसको विजुलाइज इस तरह से करिएगा, ये जो डायग्राम है वो स्ट्रेस्ड रबर शीट जैसा है, ठीक है, और अगर बी को देखें तो बी ऐसा दिखेगा कि बी को ए ऐसा खींच रहा है, और ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड लेंथ के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे मैं इस लेंथ को इंक्रीज कराता जाऊंगा, इस फोर्स की इंटेंसिटी, जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा, है ना। तो ये जो चीज़ आ रहा है ये ड्यू टू सरफेस टेंशन आता है, ठीक है। सरफेस टेंशन क्यों होता है, इसके लिए एक अलग सा लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, जो कॉम्पिटिटिव के ख्याल से बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंस का चीज़ है मेरे ख्याल से, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल का उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स देखेंगे, है ना, बट यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आ रहा है आपको, है ना। तो जो सरफेस टेंशन है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ, जैसे आप इस लेंथ को मैं इंक्रीज़ कराता जाऊँ और इंक्रीज़ कराऊँ तो फोर्स ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को एक तरीके से ऐसा डिफाइन करते हैं, इट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ, इट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक तरीके से इसको ऐसा डिफाइन किया। अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आई होगी, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, हमने ऐसा खींचा, पार्ट ए को ये रख दो, पार्ट बी ये है, अब इस लाइन के आर पार देखते हैं हम लोग, है ना। पार्ट ए को सोचोगे, जैसे आप इस एंड पे और इस एंड पे इसको लूज़ करना शुरू करोगे, ये श्रिंक होना शुरू होता है, इनफैक्ट आप कहो तो ये एरिया मिनिमाइज होना शुरू होगा, ये वाला पार्ट यहाँ से जो देखोगे। तो अगर सिर्फ इस लाइन के दोनों साइड ऑब्जर्व करें तो ये वाला पार्ट इधर आने की कोशिश कर रहा है और ये वाला पार्ट इधर आने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों आ रहा है, तो भाई पार्ट ए को पार्ट बी खींच रहा है अपनी तरफ और पार्ट बी को पार्ट ए खींच रहा है अपनी तरफ, और जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ता जाएगा ये फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा, मतलब कि भाई इस रबर शीट को इसी पोजिशन पे रखने के लिए आपको कुछ फोर्स अप्लाई करना होता है, इधर भी और इस तरफ भी आपको फोर्स अप्लाई करना होगा, ठीक है, और इस तरफ भी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और वो जो फोर्स है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं रबर शीट बढ़ाता जाऊँ ऐसा और बढ़ता जाएगा, आपको और ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है।
तो जो सरफेस टेंशन के लिए जो फोर्स आया उसको हमने एक तरीके से कैसे डिफाइन किया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यूनिट जो होगा वो कितना हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। लिख सकते हैं यहाँ तक समझ आ रहा है? अब देखिए जो फोर्स है ये डेफिनेटली ये टेंजेंशियल होगा, मतलब सरफेस के बिल्कुल पैरेलल होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि फोर्स ऊपर को आ जाए, ठीक है, ऊपर को मतलब इसके परपेंडिकुलर आ गया किसी और एंगल पे। मतलब ए जो बी पे फोर्स लगा रहा है पार्ट ए, वो डेफिनेटली इस लाइन पे, बी वो भी इस सरफेस के पैरेलल। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ये क्या है, टेंजेंशियल है। मतलब इनफैक्ट कह सकते हैं कि पैरेलल टू द सरफेस, बिल्कुल पैरेलल और ऑन द सरफेस, मतलब सरफेस से बिल्कुल चिपका हुआ फोर्स आएगा। देख सकते यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है ना? अब देखो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया, इसको समझने के लिए और ध्यान से देखने के लिए हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं ना। यहां तक समझ आए, थोड़ा बहुत अभी समझ आया होगा। सरफेस टेंशन अगर दिखाना है तो सबसे बेहतर जो तरीका है, सोप फिल्म आपने सुना होगा छोटे जब थे तो, है ना, सोप फिल्म से बबल बनाते थे, ठीक है। सोप फिल्म मतलब सोप सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, देखिएगा सोप सॉल्यूशन में, अब तो कुछ खिलौने भी इस तरह से आते हैं, है ना। हमारे टाइम पे होता था कि भी किसी पौधे से हम ऐसा कुछ निकालते थे सॉल्यूशन, और उसको वो घास के साथ ऐसा कुछ सर्कुलर शेप देते थे, ठीक है, और उसके बीच में हम लोग फिल्म निकालते थे, सोप फिल्म ऐसा निकाला, सोप फिल्म जैसा होता था वो किसी पौधे से निकलता और इसको यहाँ से एयर ब्लो करता था, फूकते थे इसको, तो यहाँ से ऐसा बबल निकालना शुरू होता था ऐसा, ठीक है। तो यही सोप फिल्म की बात कर रहे हैं, तो सोप फिल्म कहीं पे भी लाने के लिए सोप सॉल्यूशन चाहिए हमें। तो सपोज़ हमारे पास सोप सॉल्यूशन है, ठीक है, और एक यू फ्रेम है, यू फ्रेम यहाँ पे ऐसा दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, देखिएगा ये यू फ्रेम हो गया, है ना, देखिए देखना यू फ्रेम मतलब एक रिजिड ये एक चीज़ है, ठीक है, देखिए यहाँ तक समझ आ रहा है, ऐसा थोड़ा अच्छा दिखेगा, ये कर लिया हमने, ठीक है। तो ये यू फ्रेम है, मतलब ये इसके जो साइज में इसके शेप में कहीं से कोई चेंज नहीं आना है, ठीक है, मतलब ये मेटालिक कुछ है या रिजिड एक चीज़ है। अब अगर इसको मैं डिप करूँगा किसी सोप सॉल्यूशन में, ठीक है, तो क्या इस पर मैं सोप फिल्म उतार सकता, बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए क्लोज सरफेस चाहिए। आप इसको सोप सॉल्यूशन में डाल के निकालो तो एक वेटेड एक चीज़ दिखेगा, बट इस पर फिल्म नहीं आएगा। तो सोप फिल्म लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने का मतलब इसमें कुछ ऐसा, अगर अब हमने ऐसा रख दिया इस पर, ठीक है, एक ये जो चीज़ है ये मूवेबल एक वायर हो गया, ये जो वाइट वाला लाइन डाला है ना, ये मूवेबल वायर है, ये फ्रीली मूव कर सकता है। अब जैसे मैं इसको सोप सॉल्यूशन में डिप करूँगा, ठीक है, तो एट द सेम मोमेंट जैसे इसको डिप किया तो इस पूरे पे सोप फिल्म आ जाएगा, किस पे, इस क्लोज एरिया पे, है ना, यहाँ पे आ गया, ये सोप फिल्म आ गया, लिख सकते। लेकिन जैसे सोप फिल्म आया और जैसे इसको बाहर बहुत कम टाइम में ये बिल्कुल इस तरफ को स्लाइड हो जाएगा, ऐसा इस तरफ स्लाइड होगा, क्यों होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो फ्री लेयर ऑफ द लिक्विड है वो हमेशा क्या करता है, दोनों एंड पे फोर्स अप्लाई करता है, मतलब लेंथ पे फोर्स अप्लाई करता है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो लिक्विड है वो इस वायर के कांटेक्ट में है, ये जो वायर है देखना, ये जो वायर हमने ये लगाया हुआ था यहाँ पे, ये वायर, ठीक है, इसके बिल्कुल कांटेक्ट में है ये, तो कांटेक्ट में है तो उसको अब अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये लिक्विड यहाँ पे ये है, ठीक है, और ये रबर शीट की तरह बिहेव कर रहा है, लिख सकते हैं ना, ये क्या कर रहा है, रबर शीट की तरह बिहेव कर रहा है। तो जिस भी एंड पे ये अटैच होगा, कनेक्ट होगा, है ना, उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इसको खींचेगा, तो फाइनली, और अगर ये मूवेबल है ये वायर, तो ये इधर स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इस वायर को इसी पोजीशन पे रखना है तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, किधर, उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में क्यों फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये लिक्विड इसको अपनी तरफ खींच रहा है विद दिस फोर्स, ऐसा, इस तरह से, ठीक है। तो ये कितना होगा, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज एल, ठीक है, एंड द सरफेस टेंशन इज एस, ठीक है, तो जो फोर्स चाहिए जो इसको इस वायर को इस पोजीशन पे मेंटेन रख पाए, वो फोर्स कितना होगा। तो अभी आप कहोगे कि आपने लिखा है कि भाई फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन, तो फोर्स कितना हो जाएगा, एस इन टू एल,
SN12 लिख देंगे। अगर हमने ऐसा लिखा तो कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग, है ना। गलत क्यों कर रहे हैं तो देखिएगा, ये वायर, अब वायर के दोनों तरफ से देखोगे तो इस तरफ से भी लिक्विड का लेयर है जो सोप फिल्म का लेयर है, और वो ऐसा मैं कहूँ तो ये वायर अगर है तो अगर इसका एक लाइन से देखो तो ये यू होगा, समझ पा रहे हैं। अगर यहाँ से देखें तो ये देखिए ये वायर है और लिक्विड इसके ऊपर ऐसा है, मतलब दो फ्री लेयर्स हैं दोनों तरफ से, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है, मतलब अगर वायर को दिखाया जाए इस तरह से वायर, तो लिक्विड इस पे ऐसा है दोनों तरफ से है, लिख सकते। तो एक ये फ्री लेयर हो गया, इसके पीछे साइड दूसरा फ्री लेयर हुआ, एक फ्री लेयर के लिए ये फोर्स हुआ। इफ देयर आर टू फ्री लेयर्स हमें टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये लिख सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये सरफेस टेंशन को अगर हम लोग लिखना चाहें किस तरह से, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो कैसे आता है, यहाँ तक समझ आ रहा है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें, लिख सकते। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। एक मैं सीधे IIT का क्वेश्चन लेता हूँ, अब देखिए इसमें एक IIT ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भाई लिक्विड अगर मान लो ये है, आपको डायग्राम से शायद अभी ना समझ आए बट इसके बाद आ जाएगा, ये देखिएगा, देखना ये, अब ये है क्या, देखो ये क्या, ये लिक्विड का लेयर है, ये लिक्विड का लेयर है ना, ये मतलब अगर इस पे देखो, और ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, सिलेंड्रिकल रॉड है, इज अ सिलेंड्रिकल रॉड, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होगा कि सरफेस इस तरह का होगा ये, ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या किया होगा, देखिएगा इसके ऊपर हमने ये रॉड रख दिया होगा, ऐसा देखिए, ये ऐसा रॉड रख दिया, ठीक है। तो ये लिक्विड का लेयर है, लेयर पे रॉड रखेंगे तो आप कहोगे यार ये डूब जाएगा इसमें, है ना। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि बहुत जो सरफेस टेंशन है उस लिक्विड का बहुत हाई है ना, और इसका मास थोड़ा कम होगा, मतलब इसको बैलेंस किया जा सकता है। आप ऐसा सोचो ना कि भाई ऐसा देखा शादी में और इधर उधर पार्टियों में पंडाल लगा होता है ना, तो अगर ऊपर जो कपड़े का कुछ है उसके ऊपर अगर एक कुछ एक मान लो एक रॉड रख दिया जाए तो वो कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल वैसी चीज़ यहाँ पे ऐसी आएगी, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, एक साइड का क्रॉस सेक्शन डायग्राम में दिख रहा है, और लिक्विड जो लेवल ऐसा होना चाहिए था ड्यू टू वेट ऑफ दिस रॉड वो ऐसा हो गया, और वहाँ पे ये एंगल गिवन था, दिस एंगल वॉज थीटा, ठीक है, और लेंथ ऑफ द रॉड एल गिवन था, ठीक है, मास एम था। अब उसमें निकालना था, फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इफ द सिस्टम इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे देखेंगे यही रॉड है, ठीक है। अब ये रॉड यहाँ पे मैं साइड व्यू दे रहा हूँ, क्रॉस सेक्शनल व्यू दे रहा हूँ, तो इस तरह का दिख रहा है ना। तो इस पर देखो इस तरफ से भी लिक्विड, देखिएगा इधर से भी लिक्विड फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, मतलब लिक्विड किसी भी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आएगा उसको अपनी तरफ खींचेगा, फ्री लेयर, ध्यान रखिएगा इस बात का, फ्री लेयर ऑफ द लिक्विड जिस भी चीज़ के कांटेक्ट में आएगा उसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये इस तरफ ऐसा, ठीक है। तो ये अगर फ्लैट होता तो ये लेंथ अगर एल है ना, तो इधर भी एल होगा, है ना, तो ये फोर्स जो होना चाहिए एक ही फ्री लेयर है तो एस एल। तो देखो अब ये टेढ़ा है ऐसा, एक एंगल पे ऐसा बना हुआ है, तो फोर्स ये इस तरफ आ जाएगा, मतलब मैं ऐसा दिखा दूँ इसको, देखिएगा ये, और एक फोर्स इधर आ जाएगा, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, एस इन टू एल, और इसको भी क्या लिखते हैं, एस एन टू एल, बिकॉज सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, और ये लेयर के पैरेलल आता है, टेंजेंशियल आता है, और ये वेट हो जाएगा इसका, सच द सिस्टम इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। बाकी का काम बहुत आसान है, आप कर सकते हो, ये दो कंपोनेंट्स आएंगे एस एल कॉस थीटा, इसका भी और इसका भी, तो टू एस एल कॉस थीटा आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, टू एस एल कॉस थीटा इज इक्वल टू इट्स वेट, और यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिलता है, दैट इज एस, इट विल बी एम जी, वेट एम जी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टू एल कॉस थीटा, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत मुश्किल कुछ ऐसा दिखा होगा आपको, है ना, बस समझने की ज़रूरत है, और फिजिक्स है भी बहुत आसान है यार, आप देखते जाओ समझते जाओ, किया जा सकता है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया, अब अगर एक तो और एग्जाम्पल लें, ठीक है, यहाँ तक समझ आए, कुछ है नहीं, देखिएगा अब मान लो कि भी कहीं पे ऐसा कुछ यही है यार,
ठीक है, ये ऐसा दे दिया है ना, और इसमें कह रहा है वायर लगा दिया है, देखना ठीक है, और ठीक है ना, ये अब इसमें क्या किया, स्ट्रिंग लगाया ठीक है, ये देखिएगा, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट मैं सिखाने के लिए समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपके समझ आएगा ठीक है, और यहाँ से एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया इसमें किसी वेट का, ठीक है, एक ब्लॉक है ये देखना, ये मास ऑफ दिस ब्लॉक इज एम, अब ये फिक्स था, ये फिक्स है, ये सरफेस टेंशन इसका दिया होगा, सरफेस टेंशन ऑफ दिस सो फिल्म इज एस, ठीक है, अब कह रहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो ये एस कैलकुलेट करना, या फिर एस गिवन है, चलो हमने लिख दिया है, तो चलो अब ये एल फाइंड करने को कह रहा है, फाइंड दिस लेंथ एल इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये यू फ्रेम फिक्स्ड है, दिस फ्रेम इज फिक्स्ड, कैसे फिक्स किया है क्वेश्चन वाले को सोचने दो, ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में फाइंड एल, एल कितना हो जाएगा, अब देखो सो फिल जिस चीज़ से इस वायर से अटैच है, और ये वायर मूवेबल है जो स्लाइड कर सकता है ऊपर नीचे है ना, तो इस टेंशन की वजह से ये नीचे आने की कोशिश करेगा, टेंशन की वजह से ये नीचे आने की कोशिश करेगा, और ये टेंशन क्यों आएगा, ड्यू टू दिस वेट, इसका वेट डाउनवर्ड्स है, तो इसकी वजह से टेंशन इन द स्ट्रिंग आ गया, और यहाँ पे देखिए क्या होगा कि भाई ये जो लिक्विड है इसको अपनी तरफ खींचेगा, ऐसा लिख सकते, अब सिस्टम सब तरफ से इक्विलिब्रियम है, तो मेरा नहीं ख्याल आगे कुछ लिखने की ज़रूरत है, चलो लिख देते हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे आप, टी इक्वल्स एम जी, नहीं यहाँ पे क्या कर देंगे, अब ये देखो दो फ्री लेयर्स, यहाँ पे एक ही फ्री लेयर था क्योंकि इधर लिक्विड रहा होगा है ना, बट ये सो फिल्म है एक यू फ्रेम पे, तो दोनों इधर से और उधर से दोनों तरफ से फ्री लेयर्स हैं, इस तरफ भी होगा और उधर भी फ्री लेयर होगा, ठीक है, तो एक फ्री लेयर पे फोर्स कितना हो जाएगा, एस इंटू दिस लेंथ, तो दे आर टू फ्री लेयर्स, तो टू एस एल, शायद मैंने डार्क कलर लिया आपको दिखेगा नहीं, अब दिखना चाहिए, टू एस एल कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कहाँ से आ गया, ठीक है, टू एस एल एक तरफ एस एल है, दो साइड से लेंगे टू एस एल, और इक्विलिब्रियम में मतलब ये टी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इजिली आप फाइंड कर सकते हैं कि टू एस एल इक्वल्स एम जी, देयरफॉर एल कितना हो जाएगा, एम जी अपॉन टू एस, लिख सकते हैं, तो ये किस तरह से लिखा, यहाँ तक समझ आ रहा है, तो अभी ये समझ आया होगा, तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है, अब इसको हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से है ना, कि सरफेस एनर्जी क्या होता है वो देख लेंगे है ना, तो आप इसको देखिए, अगर समझ आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अगर कर लिया है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है।